घर so का एक टूर दिया जाए। so we are starting up with orchard area farmhouse और यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के खेज और बहुत ही मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट प्लांट और एक सिटिंग एरिया जो कि बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है और हमने भी हमारे साथ होगी तो इनशाला आप देखिएगा बहुत मजा आने वाला है वीडियो में हम ना हाथ पकड़ो लेट्स गो वीडियो स्टार्ट करते हैं ये हम ना करके दिखाओ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना टिंग टिंग <laughs> सबसे पहले हमारे गार्डनर से आपको मिलवा देते हैं ये है मिस्टर सना उल्ला क्या हाल है सना उल्ला ठीक है खैरियत से सारा लॉन इन्हीं के हैंड ओवर है और यही संभालते हैं सारा अभी यहाँ पे कटिंग चल रही है वेरी सैड न्यूज़ एवोकाडो जल के राख हो चुका है इसका बुरा हाल ओए गिर गया ओए हाय 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 खराब हो चुका है ये तो तो आज का जो फ्रूट टेस्ट चेक था वो था एवोकाडो लेकिन वो हो चुका है खराब और अनफॉर्चूनेटली अभी और कुछ है नहीं स्पेशल खाने को तो जी फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपने नीचे वाले लॉन से आ, वहाँ पे क्या क्या लगा अभी मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ आराम आराम से फ्रूट प्लांट्स भी काफ़ी लगे हुए हैं वेजिटेबल एरिया भी एक सेपरेट है सबसे पहले वेजिटेबल एरिया देखते हैं फिर अच्छा जी ये जो सारी फेंसिंग हुई हुई है ये यहाँ पे सारी जो है हमारी ना सीजनल वेजिटेबल्स लगती हैं और ये भी हमने एक सेपरेट एरिया बनाया हुआ है ये फेंस हमने इसलिए लगाई हुई है ताकि जो है ना वो मुर्गियाँ आती हैं तो आ, सारी जो है ना वेजिटेबल्स ख़राब करती हैं इस वजह से इसकी सारी फेंसिंग की हुई है टमाटर की फसल बस एंडों ने पाई उधर मिर्चें लगी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला पौधा आई गेस बैंगन का पता नहीं कुछ लगा हुआ नजर नहीं आ रहा लेकिन सब्जियाँ अभी कुछ खास नहीं लगी हुई टमाटर लगे हुए हैं लेकिन वो भी बस एंड ही चल रहा है कुछ मिर्चें मुझे यहाँ पे अच्छी दिखाई दे रही जबरदस्त किस्म की ये अभी इनका सीजन है मतलब अच्छी मिर्चें लगी हुई चलिए किचन गार्डन की फेंस से निकल आते हैं और फिर लॉन की तरफ चलते हैं कटिंग्स अलहमदिल्ला फ़िलहाल सारी हो रही है ढेरियाँ लगा दी हैं इधर घास की सेपरेट करके फिर ये उठा के बाहर फेंक देंगे ये जो हैं एक दो तीन चार पाँच छः ये सेपरेट मैंने केजेस एक टाइम है मुझे बहुत शौक था असील मुर्ग़ों का उनके लिए मैंने बनवाए थे हर केज का साइज़ जो है वो तकरीबन तीन फुट बाय तीन बाय तीन का साइज़ है और इसमें मैंने सब अलग 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 मुर्गे मुर्गियों का सेटअप रखा होता था लेकिन अनफॉर्चुनेटली आ, सारी बस बीमारी आई थी तो खत्म ही हो गए बहुत सारे ऐसे फ्रूट प्लांट्स हैं जो सीजन उनका आउट हो गया ये आड़ू का है ये हम खा चुके हैं वो लो है वो भी खत्म हो चुका है हाँ भैया आप क्या लेके घूम रहे मुंह धोए बगैर गेम्बल लेके घूम रहे मुंह धोए बगैर सुबह सुबह इसको मैंने गेम्बल पकड़ा दिया तो इस वाले केज के अंदर के अभी अंगूरा रेबिट्स हुआ करते थे और यहाँ पे अभी जंगली पौधे उग रहे हैं मन कर दो उसको इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल केज इन द हाउस और ये 22 फीट बाय 22 फीट का केज बना हुआ और इसमें एक जमाने में बस 100-150 कॉकटेल्स हुआ करते थे कुटलियाँ अभी भी लगी हुई हैं और ये वाला केज जो है ये बकरों का है इसमें से आपको बताया भी था इसमें अभी हमने स्टोर बना दिया लकड़ियाँ इसके अंदर पड़ी हुई है जो कि हम लोग फायरब्रिक ओवन के अंदर इस्तेमाल करते हैं वी हैव ऑलमोस्ट 300 प्लांट्स इन द फार्म हाउस और जो ऑर्चर्ड एरिया में प्लांट्स लगे हैं वो तो तकरीबन 70 टू 80 फ्रूट प्लांट्स लगे हुए जो कि वैरायटी के हैं दिस इज दिटिंग एरिया लेकिन इसका जो शेड है वो खराब हो चुका है अभी हम लोगों ने नया ढलवाना है जो घास का होता है ना ऊपर वो उससे ये कि जो घास वाला शेड होता है उससे ये कि ठंडी छाव और ठंडी हवा बड़ी जबरदस्त आती है अक्सर आप लोगों ने अगर लोग विरसा विजिट किया सो वी आर प्लानिंग हम लोग उस टाइप का कुछ शेड इसके ऊपर ढलवाए क्यूंकि फाइबर से ये कि वह धूप और तपिश जो है ना वो कंट्रोल नहीं होती यहाँ पे हमने सारे स्विंग्स इंस्टॉल किए हैं बच्चों के लिए स्लाइड है ये वो झूला जिसपे मैं झूले झूलता ये डक है ये हॉर्स और... तो है कि इस के <laughs> बड़ा यार झूले झूले ओए इन पे तो मैं बैठ नहीं सकता यार कोई चाय का कपी आके पूछ लेता मतलब सुबह से व्लॉगिंग कर रहा हूँ कोई बंदा नहीं है अकेले मेरे लावा यहाँ पे एक गार्डनर है वो भी ऊपर चला गया तो चार मेरा लेट जाओ इधर ही पीसफुल वेरी वेरी पीसफुल। सुपर टिप आप लोगों को देता चलूं कि अगर आप लोगों ने कभी फ्रूट प्लांट्स इंस्टॉल करवाने अपने घर के अंदर तो मेक श्योर sure जो गैप है एक प्लांट से दूसरे प्लांट के बीच में वो मिनिमम टेन फीट का होना चाहिए क्योंकि जब प्लांट बड़ा होता है वो स्पेस लेता है अच्छी भली स्पेस लेता है और अगर उसके बीच में स्पेस नहीं होगी इतनी दस फुट की तो वो एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाएंगे कहाँ पर यह मंकी बार भी इंस्टॉल की हुई ताकि फिजिकल एक्टिविटीज जो है ना वो बच्चों की लगी रहें और हेल्दी लाइफ जो है ना बच्चे गुजारें। हमारी एंड बाउंड्री वॉल है उस पर टोटली आ, अंगूर की बेल लगी हुई है लेकिन अभी भी इसका सीज़न आउट हो चुका है दुम्बे को आपने देखा होगा अंगूर की पेटियाँ खा रहा था तो सारी अब हमने जो ना उतार ली अंगूर की बेल ये भी ख़त्म हो चुका है हाउ कैन आई मिस दिस ये है जी लीची ये हो गया कोई नौ साल का पौधा लेकिन अभी तक इसने फ्रूट नहीं दिया पता नहीं इसके साथ क्या मसला है बहुत से लोगों ने काली मिर्च का पौधा नहीं देखा होगा ये एक काली मिर्च का पौधा है इम्पोर्टेड प्लांट है लेकिन यहाँ पे फ्रूट जो है ना बहुत कम कम देता है अभी तो नहीं लगा हुआ फिलहाल ये भी सीजन आउट हुआ हुआ तो जैसी लगेगा मैं आपको दिखाऊंगा कि काली मिर्च कैसे लगती है ये देखें जी कितना ज़बरदस्त प्लांट है इसका ये आ गया आलू बुखारा और ये भी सीजन आउट है <laughs> नेक्स्ट जब भी ये लगेंगे मैं सब आपको दिखाऊंगा आपको बहुत मजा आएगा साथ साथ टेस्ट चेक भी करके दिखाऊंगा कि कैसा टेस्ट है ये जो है चाइना लेमन है और इस वाले प्लांट के अंदर लगता है कम काट ये लगा हुआ है संतरा ये देखिए, ये भी अभी छोटा साइज में इतना इतना बड़ा हो जाएगा ये वाला पौधा मैं कैसे भूल गया ये जो है ना लसूड़े लगे हुए ये वाला भी एक जो करीब से मैं आपको दिखाता हूँ ये देखें ये वैसे ग्रीन ग्रीन इस्तेमाल किए जाते हैं ये तो बहुत पुराना लगा हुआ अभी येलो हो गया वैसे ही ना अचार में यूज होते हैं और ग्रीन इस्तेमाल किए जाते हैं ऑर्चिड एरिया में हमने इन चार पांच क्वीन प्लांट्स के अलावा कोई और फालतू प्लांट नहीं लगाया हुआ है सारे फ्रूट प्लांट्स लगे हुए की कोशिश ये की ज्यादा से ज्यादा फ्रूट प्लांट्स लगाए जाए ये जो डेकोरेशन वाले प्लांट्स होते हैं लुक वाइज तो ये बहुत अच्छे लगते हैं नो डाउट अब ये खजूर की शेप का लेकिन खजूर नहीं लगती इसमें दिस इज द क्वीन पाम एलेक्जेंडर पाम भी आता है बॉटल पाम भी आता है तो मुझे ज्यादातर क्वीन पाम पसंद है और क्वीन पाम जो है वो इस्लामाबाद के एटमोसफेयर के हिसाब से सबसे ज्यादा सूटेबल है लेकिन जो सबसे खूबसूरत पाम है किंग ऑफ द पाम जिससे कहते हैं वो है एलेक्डर पाम वो ऊपर लगे उसकी ब्यूटी कुछ और ही है और एक बनाना पाम है वो मैं आपको दिखाऊंगा वो भी बहुत खूबसूरत है बट वो सब कुछ होगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर तो so, आज की जो वीडियो के टूअर था वो था सिर्फ ऑर्चर्ड एरिया के अंदर सो होप यू गैर एंजॉय Uh, sorry, the lawn tour and please make sure to say mashallah at the end of the video Thank you so much for watching. Do subscribe to the channel. Follow me on Instagram at JNTV underscore PK